टीचिंग बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज का टॉपिक है सीवीड्स। क्या आप जानते हैं सीवीड्स क्या होते हैं? देखिए, जो सीवीड्स होते हैं या फिर हम इनको माइक्रो एल्गे भी कहते हैं, रेफरेंस टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर मैरीन एल्गे। ये क्या होते हैं? ये मैरीन एल्गे होते हैं जो ये सीवीड्स होते हैं। ओके, द टर्म इंक्लूड्स सम टाइप्स ऑफ रोडोफाइटा रेड, फायोफाइटा ब्राउन एंड क्लोरोफाइटा ग्रीन माइक्रो एल्गे। ओके, सीवीड इज कंज्यूम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, पार्टिकुलरली इन द ईस्ट एशिया, जापान, चाइना, कोरिया, ताइवान इन साउथ ईस्ट एशिया, ब्रुनाई, सिंगापुर, थाईलैंड, बर्मा, कैम्बोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, द फिलीपींस एंड मलेशिया। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एज ए फूड जो है इसको कंज्यूम किया जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें जो सीवीड्स होते हैं, सीवीड्स के अंदर जो एल्जिनेट, अगर एंड कैरेजिनेट जो है, ये जिलेटिनियस सीवीड्स प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोकोलाइड्स और फाइकोकोलाइड्स भी कहते हैं। अगर हम बात करें, अगर जो है यूज़ होता है फूड्स के अंदर एज सच एज कॉन्फेक्शनरी, मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, डेजर्ट्स एंड बीवरेज एंड मोल्डेड फूड्स, तो अगर जो है इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि जो अगर है इसके बारे में, ये कहाँ से आता है, ये सीवीड से आता है। कैरेजिनिन की अगर हम बात करें, कैरेजिनिन जो है यूज्ड इन सलाद, ड्रेसिंग्स एंड स्यूसेस, डाइटेटिक फूड्स एंड एज प्रिजर्वेटिव इन मीट एंड फिश। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें एल्जिनेट्स की, ये यूज़ होता है वाउन ड्रेसिंग्स, सीएलजिनेट ड्रेसिंग्स एंड डेंटल मोल्ड्स के अंदर भी जो ये है एल्जिनेट्स जो है इसका इस्तेमाल होता है। ओके, और ये प्रोडक्शन किसकी है? ये तमाम की तमाम जो है सीवीड्स की प्रोडक्शन है। सीवीड्स को हम एक्सट्रैक्ट, सीवीड्स एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड इन सम डाइट पिल्स, अदर सीवीड्स पिल्स एक्सप्लॉइट द सेम इफेक्ट एज गैस्ट्रिक हैंडिंग बेंडिंग एक्सपेंडिंग इन द स्टॉमिक टू मेक द स्टॉमिक फ्री। तो स्टॉमिक पेन अगर जिसको हो, स्टॉमिक में प्रॉब्लम हो, उसके लिए हम उसको क्या एल्जिनेट देते हैं, जिससे बड़ा फर्क पड़ता है। सीवीड्स जो थे वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर हम बात करें 1650 की बात करें, एक जापानी शख्स ने सीवीड को पानी के अंदर उबाला, कुछ टाइम के बाद पानी स्टिकी हो गया, जब ठंडा किया गया तो देखा कि जेली की शेप में वो जो है पानी है वो अख्तियार कर गया, तो उसके बाद उस जापानी ने उसका नाम रखा अगर अगर। अगर अगर प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनसे बनते हैं, मेनली जो रेड अल्गे होता है जिसको हम रोडोफाइटा कहते हैं, सीवीड से अगर अगर को निकाला जाता है। जब पानी में रेड अल्गे को डालते और उबालते हैं और कार्बोहाइड्रेट वाटर के अंदर जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, जिसके बाद पानी को फिल्टर किया जाता है, फिर फ्रीज करके सब्लिमेशन के द्वारा पाउडर बनाया जाता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, अब हम देखते हैं इसको, हम अच्छी तरह से इसके हम थ्योरी पढ़ते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, अभी इंडिया के अंदर जो CMFRI है, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट एट मेंडापम, इसके अंदर भी अब सीवीड का जो है अच्छी तरह से कल्चर किया जा रहा है और यहाँ पे भी इसके जो यूसेज हैं उसके बारे में पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो देर इज़ ए गुड पोटेंशियल जो है सीवीड कल्चर इन पालक बे की अगर हम बात करें, लैगून ऑफ गुल्फ ऑफ मनार की बात करें, या फिर हम ओपन शोर्स ऑफ उड़ीसा है, लक्षद्वीप है, गोवा है, यहाँ पर जो है सीवीड है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सीवीड्स जो होते हैं, सी ग्रासेस जो हैं, ये कंप्राइज ए वाइड रेंज ऑफ ऑटोट्रॉप्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स फ्लैजिलेट्स टू जेंट कैल्प्स विच ग्रो ओवर 6 feet। तो जनरली स्पीकिंग, हम जनरली बात करें, जो सीवीड्स होते हैं ये सम काइंड ऑफ एल्गे,
that have leaf-like fronds and hold fast in place of roots. They have no leaves, no flowers, no fruits and no seeds. Okay? अगर हम इसके प्रोटीन कंटेंट की बात करें, 25% जो है होता है. अमाइनो एसिड कंपोजिशन जो है इसके अंदर रिपोर्टेड टू बी 10-30% ऑफ द ड्राई वेट. और इसके साथ साथ अगर हम बात करें विटामिन ए की बात करें, B1 की बात करें, B2, B6, B12C एंड नाइसिन जो हैं इसके अंदर बड़ी अच्छी मकदार में पाए जाते हैं. इन एडिशन द एडिबल सीवीड जो हैं हैव हायर कंटेंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है. ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर फूड कंजप्शन, एडिटिव्स फॉर फूड प्रोडक्ट्स एंड अदर इंडस्ट्री यूजेस, सीवीड कल्चर प्रैक्टिसेस आर इंक्रीजिंग एंड एक्सपेंडिंग इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अब क्या है, जो ही इसकी जो डिमांड है उसको डिमांड इसकी इंक्रीज हो गई है, फूड कंजप्शन जो है वो भी ज़्यादा हो चुकी है. उसकी वजह से अब जो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं, उन्होंने भी इसकी जो प्रोडक्शन है इसकी कल्चर करना बहुत स्टार्ट कर दिया है. ओके, और इसमें जो मेन चीज़ देखनी है वो क्या है, द मेन ग्रुप्स ऑफ सीवीड्स कल्टीवेटेड और कौन से हैं. पहला है रेड एल्गे जिसको हम रोडोफाइसिया कहते हैं. इसके अंदर जो पोरफायरा स्पीशीज है या फिर ग्रेसिलेरिया है, जिलीडियम है, ये तीन जो स्पीशीज हैं ये रेड एल्गे की हैं, जिससे जो सीवीड की हैं. ब्राउन एल्गे की अगर हम बात करें, फाइकोफाइसिया इसमें आता है, लैमिनेरिया स्पीशीज आता है, सरगेसम टर्बिनेरिया आता है. ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें जिसको हम क्लोरोफाइसिया कहते हैं, इसके अंदर एटेरोमॉर्फा, मोनोस्टोमा स्पीशीज और उलावा जो है इसके अंदर ये स्पीशीज आती हैं. कल्चरल मेथड्स क्या हैं, इसके अगर हम कल्चरल मेथड की बात करें, द कल्चर कैन बी कैरिड आउट एट सिलेक्टेड साइट. इसके लिए जगह जो है वो सिलेक्ट की जाती है, ठीक है. वेयर देयर इज अनपोल्यूटेड सप्लाई, जहाँ पे गंदा पानी नहीं होना चाहिए. सैलिनिटी जो होनी चाहिए 30-35 PPT फॉर ओपन वाटर, 8-25 PPT. वाटर टेम्परेचर जो है सैलिनिटी के लिए 30-35 है, ओपन वाटर के लिए 8-25 PPT है. वाटर टेम्परेचर 27-30 डिग्री सेल्सियस. मॉडरेट वाटर मूवमेंट 20-50 मीटर पर मिनट. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं सी वीड कल्चर के लिए. बॉटम कल्चर, फोर्स्ड कल्टीवेशन, राफ्ट कल्चर, सीडिंग और स्पोर फिक्सिंग जिसको हम नेट कल्चर कहते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटम कल्चर की. बॉटम कल्चर जो है इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सी वीड फार्मिंग फॉर किल्प और सी वीड कल्चर. द फर्स्ट स्टेप इज टू अलाउ द ज़ूस्पोर्स टू अटैच टू स्टोन्स, twigs or bamboo baskets. In the past, coral reefs have been dynamited to increase the amount of fresh substrate available for attachment. The kelp is harvested by trained divers. Under good conditions, yield should exceed 10 meters tons per hectare. उसके बाद है forced cultivation. Forced cultivation की अगर हम बात करें, ये जो टेक्निक है, this technique is the most advanced technique in a laminaria kelp culture. Through this method, rather than waiting for the laminaria to reproduce in the fall and harvesting in the summer before the plants start to deteriorate, the farmers grow the young sporophytes under controlled conditions for several months before planting them in the fall. This extension of the growing season increase the annual yield. ये था forced cultivation. Raft culture की अगर हम बात करें, इसमें तीन ways हैं. पहला है basket culture, फिर है single line tube culture, फिर है double line tube culture. अगर हम basket culture की बात करें, इसमें cylindrical bamboo baskets are tied together in rows and hung from a raft. The basket reopen at the top and contain a fertilizer cylinder. Along each side of the basket is strung a hemp rope from which the kelp hang. The young seaweeds are attached by inserting the strip between the strands of the rope. उसके बाद है string, ये भी easy है, okay?
स्पोर फिक्सिंग टेक्निक जो है इन पोरफायरा कल्चर के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो जायगोट होते हैं जिसको हम कहते हैं कैर्पोस्पोर्स आर कलेक्टेड बाय नेट्स प्लेस्ड इन स्पेशल एरियाज कॉल टेनिबा। टेनिबा जो है ऐसे स्पेशल एरियाज होते हैं जहाँ पे नेट की मदद से क्या कहते हैं कलेक्ट करते हैं जायगोट्स को या कार्पोस्पोर्स को। द स्पोर्स डू नॉट एडहेयर वेल व्हेन द सैलिनिटी हैज़ बीन लोअर्ड बिकॉज ऑफ रेन। द हाइट ऑफ द नेट शुड नॉट बी सो हाई दैट द प्लांट आर एक्सपोज ड्यूरिंग द लो टाइड्स एंड गेट डेसिकेटेड। इन अदर मैथड इन्वॉल्व द क्रशिंग ऑफ द डिजिटल एज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लम्बर। देखिए ये भी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो चीज़ हमें देखनी है वो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूजेज ऑफ सीवीड्स। यूजेज ऑफ सीवीड्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करें इंडस्ट्री का यूज़ क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर सीवीड का क्या यूज़ होता है। एज कोलाइड्स द रेड एल्गे कंटेन जेल लाइक विस्कस सब्सटेंस। देयर आर थ्री माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स दैट आर यूज्ड विद अगर कैरोजिनिन एंड एल्जिन। आप देखो ये कोलाइड्स जो होते हैं रेड एल्गे ये कंटेन करते हैं जेल लाइक विस्कस सब्सटेंस और तीन माइक्रोमोलिकुल्स कोलाइड्स होते हैं जो यूज़ होते हैं जिस तरह से इसमें अगर आता है कैरोजिन्स आता है एल्जिन आता है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें अगर की, अगर जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है यूजिंग हॉट वाटर फ्राम द सेल वॉल ऑफ ग्रेसिलेरिया स्पीशीज है जिरिडियम है। ये पॉलीसैचराइड्स एंड फॉर्म्स ए जेल दैट वेरीज इन स्ट्रेंथ विद द स्ट्रक्चर। द प्रिंसिपल यूजर ऑफ अगर इज द फूड इंडस्ट्री। इन जापान इट इज वाइडली यूज्ड एज टोको रोटेंट दैट इज स्लाइसड एंड ईटन विद सोया सॉस। अगर इज आल्सो यूज्ड इन कैनड मीट पेस्टा नूडल बेकरी टॉपिंग्स एंड फिलिंग्स एंड जेलिड कैंडीज। इट इज़ यूज्ड एज क्लैरिफाइंग एजेंट इन बीयर्स वाइन्स एंड जिलेटिन्स ऑन फोटोग्राफिक फिल्म्स। अब देख सकते हैं यहाँ समझ सकते हैं कि अगर की कितनी हमारे पास इम्पॉर्टेंस है, ठीक है ना। अब जिलेटिन स्पीशीज जो है ग्रेसिलेरिया है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको हार्ट वाटर के अंदर डाला जाता है, इसकी जो सेल वॉल है वहाँ से ये जो है पॉलीसैचराइड्स फॉर्म्स जेल। ओके, तो फूड इंडस्ट्री के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें कैनन मीट की बात करें, नूडल्स की बात करें, बेकरी की बात करें, बहुत सी जेलिड कैंडीज की बात करें, क्लैरिफाइंग एजेंट भी है बीयर्स और वाइन्स के अंदर। ओके, ये एगर की बात हो रही है। कैरेजिनेन की अगर हम बात करें, कैरेजिनेन जो है ऑल्सो बाई हॉट वाटर, इसके भी हॉट वाटर होता है फ्राम रेड सी वीड स्पेशली कॉन्ड्रस है, गिगेटिना है, हाइपनिया है, फाइलोफोरा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट बनता है कि आप बताइएगा कैरेजिनिन जो है कौन सी स्पीशीज से ये ज़्यादा निकलते हैं। तो कैरेजिनिन जो है अब मैंने आपको चार स्पीशीज बता दी हैं, इन चार स्पीशीज के आपको नाम रखने हैं और ये होते हैं रेड सीड्स। कैरेजिनस मॉलिक्यूल जो होते हैं ये पॉलीमर्स ऑफ होते हैं डी ग्लैक्टोज शुगर। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैरेजिनन के एंड कैरेजिनन वन। द ट्रेडिशनल मेथड जो है प्रोड्यूसिंग द कैरेजिन इज टू डिजॉल्व देम आउट फिल्टर एंड फाइनली ड्राई अप। तो इसको बाद में ड्राई किया जाता है। इट वॉज ओरिजिनली यूज इन कुकिंग एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कफ सिरप। अगर आपको खांसी हो रही है खांसी की दवाई में भी इसको मिलावट किया जाता है, इसको मिलाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओरिजिनली कुकिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है। और आज की अगर हम बात करें ये इंपॉर्टेंट आइटम है जेलीज बनाने के लिए, जैम्स, पैट फूड, फ्रोजन डेजर्ट्स, योगर्ट्स और भी बहुत सारे इसके रिलेटेड। एल्गिन की अगर हम बात करें, एल्गिनिक एसिड जो है ये एल्गिन अगर बात करें, अनलाइक एगर और कैरेजिनस इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम ब्राउन सीवीड्स। अब जो एल्गिनस है ये ब्राउन सीवीड से निकाला जाता है, लिया जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है कि कौन से सीवीड से लिया जाता है। एस्कोफाइलम लैमिनेरिया सर्कोगैसम एंड टर्बुनेरिया इट इज पॉलीमर ऑफ आइदर ऑफ टू एसिड्स डी मैनोमेट्स एंड एल मैनोमेट्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, जो एल्जिन है या एल्जिनिक एसिड है ये आप इस पर समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो डी मैनोनेट है या एल ग्लोरोनेट है साल्ट्स, इसको हम इसकी जो साल्ट्स होते हैं एल्जिनिक साल्ट्स को कहा जाता है एल्जिनेट्स। एक्सट्रैक्शन जो होती है एल्जिन की इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ नॉट सोलिबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये सोलिबल नहीं होता है इसलिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। द प्रोसेसिंग स्टार्ट्स विद रिमूवल ऑफ वाटर सोलिबल मटेरियल्स फॉलोड बाई एक्सट्रैक्शन विद सोडियम कार्बोनेट फिल्ट्रेशन प्रिसिपिटेशन। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं किस तरह से फिल्टर करते हैं।
क्योंकि ये बहुत फिल्टर करना बहुत टफ होता है, कोल्ड वाटर में या वाटर के अंदर ये डिजॉल्व होता नहीं है, सॉल्युबल होता नहीं है। तो कौन से साल्ट से हम इसकी अब जो फिल्ट्रेशन करते हैं, या इसको हम कन्वर्जन ऑफ द साल्ट इनटू एसिड बाय ट्रीटमेंट विद HCl एंड कन्वर्जन ऑफ एसिड टू द सोडियम साल्ट एंड फाइनली उसको क्या ड्राई किया जाता है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन कॉटन टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंडस्ट्री एज सरफेस कोटिंग एजेंट फॉर पेपर। देखा, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर, कॉटन टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी ये काम आता है। ओके, इन वेल्डिंग रॉड्स की बात करें वहाँ भी एंड विद प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर डेंटल इंप्रेशंस। देखा कितना इंपॉर्टेंट है। एल्जिन्स एंड एलिगनेट्स आर आल्सो यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री इन अ वैरायटी ऑफ वेज। इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स इन आइस क्रीम्स। इट इज स्टेबलाइजर फॉर मेनी डायरी प्रोडक्ट्स, जिस तरह क्रीम है, चीज है, विपर्ड क्रीम है, प्रोसेस्ड चीज एंड बेकरी प्रोडक्ट्स हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज कोटिंग फॉर फ्रोजन फिश। ओके, आपने देख लिया मेडिसिन यूज क्या होते हैं इसके। अब देखेंगे सीवीड एज फूड। सीवीड एज फूड की अगर हम बात करें, सीवीड्स वेयर फर्स्ट टू बी यूज्ड एज फूड बाय ह्यूमंस ऑफ द पार्टिकुलर एरियाज। द कंपोजिशन ऑफ मोस्ट ड्राइड सीवीड इज प्रीडोमिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स विद प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड लिपिड्स। हाउएवर, नूरी इज एन एक्सेप्शन विच इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, हाई लेवल ऑफ लाइसिन। The lipids of seaweeds are rich in long-chain polyunsaturated fatty acids. Seaweeds में देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो seaweeds होते हैं, अगर आप फूड की बात करें, अच्छा proteins मिलेगा, carbohydrates मिलेंगे, lysine मिलेंगे, ठीक है ना, fatty acid मिलेंगे आपको, अच्छा सोर्स मिलेगा, vitamins मिलेंगे, किससे, seaweed से। तो seaweed as drug, अब पढ़ते हैं seaweed as drug क्या है। मैंने seaweeds जो है especially red brown algae have been used to cure goiter। अगर आपको goiter की problem है, that means कि आपको गले के नीचे एक थैली लटकी हुई है, तो आपके लिए seaweed बड़ा अच्छा होगा। South America की बात करें, phylogigas is chewed for curing goiter। phylogigas जो seaweed है इसको चबाया जाता है ताकि goiter जो है उसको cure किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, तो इसको हम goiter stick भी कहते हैं। देखा कितना important है कि phylogigas जो है इसको chew किया जाता है ताकि goiter जो है उसकी problem ख़त्म हो जाए। That means ये rich in iodine होता है, ठीक है। यूरोप की बात करें, रेड एल्गे जो है, एल्सीडियम, हाइपनिया, सर्गेसम और उल्वा जो है, ये वाइडली यूज होता है विनिमिसाइड्स के लिए, कीड़ी मार दवाई जो है उसके लिए ये बड़ा अच्छा होता है। द मिसलेज ऑफ क्यूटिलेरिया इज यूज्ड टू ट्रीट स्टोमिक असर्स। देखो स्टोमिक असर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, ब्लड एंटीकोगुलेंट के लिए, स्टोमिक डिसऑर्डर के लिए, एंग्जाइटी के लिए। सम सीवीड ऐसे हैं जो यूज होते हैं ट्रीट स्प्रेन्स, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको हड्डी में प्रॉब्लम है, दर्द है, जोड़ों में दर्द है, मसल में दर्द है, तो उसके लिए भी आपको लिए ये जो सीवीड है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें सीवीड एज फर्टिलाइजर, ऐसा नहीं है कि आपके लिए मेडिसिन तैयार होगी, बल्कि आपको लिए सीवीड जो है फर्टिलाइजर का काम भी करते हैं। सीवीड्स आर कॉमनली यूज्ड एज फर्टिलाइजर ऑन द कोस्टल फार्म्स। माइक्रोसिस्टस की अगर हम बात करें, एस्कोफाइलम की बात करें, लेमिलेडी की बात करें, ये तीन जो है वाइडली अप्लाइड टू एग्रीकल्चर फील्ड। एप्लीकेशन ऑफ द सीवीड्स में बी वेट, ड्राई, कंपोस्टेड और एक्सट्रैक्टेड। देयर आर सीवियर एडवांटेज, अब बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। Seaweeds which contain antimicrobial compounds, they may inhibit the growth of certain bacterial and fungal plant pathogens and may even reduce insect damage. देखा seaweed जो है इसके अंदर antimicrobial property होती है, ये inhibit करता है growth of certain bacteria की और fungal plant pathogens की, जो कि reduce करते हैं insect damage को। They are rich in nitrogen and potassium, so are used to supplement some fertilizers. Supplement as हम use करते हैं क्योंकि इसके अंदर nitrogen और potassium बहुत ज़्यादा होते हैं। Seaweeds having high organic content and can be converted to humus, thereby improving the physical properties of the soil. Unlike animal manure की बात करें, seaweeds जो है contain no potential weed on pathogens contained that can damage the terrestrial crops. Gibberellins and cytokines are also found in seaweeds and may stimulate the crop growth. तो ये था आज का lecture सीवीड्स के ऊपर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, इससे आपके लिए बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए। जो भी क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं, जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैं पूरे रमज़ान के अंदर वो लेके आऊँगा, ताकि आपकी जो कोई भी क्वेरी हो वो पूरी यहाँ पर हल होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो आई होप इंशाल्लाह बहुत से बच्चे जो हैं यहाँ से निकलेंगे।
तो हमारी रमज़ान के अंदर दुआ भी है जो जितना हार्ड वर्क करेगा अल्लाह उसको उतना ही तरक्की दे। ओके, तो आप देखते रहिए टीचिंग पे आज, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।